35 किलो चावल शासन द्वारा 90 रुपए में दिया जाता है, जिसे घर तक पहुंचाने के लिए 100 रुपए का किराया भुगतान किया जाता है। मैं खिरेंद्र यादव और ये है मेरा समुदाय। आपका नाम क्या है? इतवारे जी। कहाँ के रहने वाले आप? सरगीपाल, कोंडागांव। कितना किलो चावल मिलता है आपको? हमको 30 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ। तो हमको ये बताइए, आपके मोहल्ले में दुकान है क्या? नहीं, डीएन के कॉलोनी में है और वहाँ बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ से कम कितना किलोमीटर होगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आप किसके माध्यम से चावल और गेहूँ लेके आते हैं? कभी रिक्शा वाले के माध्यम से, कभी कोई मिल जाए तो साइकिल से। अच्छा, तो रिक्शा वाला कितना लेता होगा? 100 रुपये। तो चावल कितने में खरीदते हैं? चावल 95 रुपये। 95 रुपये चावल देते हैं और रिक्शा वाले को 100 रुपये। तो आपका इस ढंग से खरीदारी में आपको घर परिवार में परेशानी नहीं होता होगा? बहुत परेशानी होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जाने वाले कोई नहीं है, हम उठा के ला नहीं पाते उतना दूर से। कोंडागांव जिले के वार्ड सरगीपाल एवं कोपाबेड़ा की है, जहां पर शासन द्वारा लेम्स की दुकान आवंटन तो कर दी गई है, पर खुद की मकान या किराए की दुकान की व्यवस्था नहीं कर पाई है। उक्त दुकान को सही जगह स्थापना करने के लिए संबंधित अधिकारी का नंबर है 077-86-24-20-21। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।